हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। क्रिप्टो सिटी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो FTS का जो इस टाइम पे क्रैश आया है। पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट अभी रेड जोन में चल रही है, तो इस टाइम पे छोटे इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, उन्हें किस प्रकार से अपना फंड बचाना चाहिए या उन्हें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। अभी छोटे इन्वेस्टर जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको मार्केट से भी दूर रहना है, उनको किसी के भी बातों में नहीं आना है, किसी की बातों में आकर के फंड नहीं लगाना है। अगर वो फंड लगाते हैं तो अपना बहुत बड़ा नुकसान करने वाले हैं, क्योंकि तो हमें नहीं पता मार्केट के अंदर क्या होने वाला है। क्योंकि तो इस पर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, इसको हम फ्रॉड ही बोलेंगे। क्योंकि पिछली बार हमने जो बड़ा फ्रॉड देखा था वो टेरा लूना के अंदर देखा था। टेरा लूना के अंदर यही हुआ था, उसके जो CEO थे, ये उसके संस्थापक थे, उन्होंने बोला था हम उसको पूरे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हर तरीके से हमारी पूरी कोशिश जारी है। हम जो भी हमने सोच लगा सकते हैं, जो भी हमारे पास फंड है उसके थ्रू हम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने वो कुछ नहीं कर पाए। आखिरकार टेरा लूना की जो वैल्यू थी वो 0 हो गई। इसी प्रकार से आपको आगे चल के FTT की वैल्यू जो है वो 0 देखने को मिल सकती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसकी जो लिक्विडिटी है उसको देखते हुए नहीं लगता कि वो अब वो कुछ ग्रोथ करेगा, क्योंकि मिलियंस ऑफ क्वांटिटी में उसे बेचा जा रहा है। उसके अंदर सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, और जितने भी बड़े बड़े व्हेल्स बोलेंगे, जिनको व्हेल्स हैं, व्हेल्स ने अपना गेम कर दिया है। व्हेल्स ने प्रॉफिट कमा करके उसमें सेलिंग चालू कर दी है, तो छोटे रिटेल इन्वेस्टर उनके जाल में ना फंसें, अपना फंड सेव रखें। और अगर वो इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं तो कुछ दिन उस पर स्टडी करके क्रिप्टो करेंसी पर, जो भी इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट करें और अपने फंड को सेव करें। क्योंकि FTT का जो क्रैश आया है वो टेरा लूना के जैसा ही क्रैश है। इसमें हम कोई ये नहीं कह सकते कि उस जैसा क्रैश नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि ये जानबूझ के किया गया एक फ्रॉड है जो कि हमें यहाँ पे मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन जो है $17,000 से भी नीचे चला गया है, जो कि 2020 में ऐसा हुआ था, तो बहुत बड़ा डाउनफॉल मार्केट के अंदर आया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन पर जरूर दबाएं, जिससे हमारे वीडियो की, हमारे चैनल की हर नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच।